हिंदी फिल्म जगत के एक ऐसे कलाकार जो हमें अपनी एक्टिंग से रुला सकते हैं, हंसा सकते हैं और डरा भी सकते हैं। आज उन्हें लगभग इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। उस मझी कलाकार का नाम है संजय मिश्रा, जिन्होंने कई फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय से एक अमिट छाप छोड़ी है। आखिर क्यों संजय मिश्रा को ढाबे पर काम करना पड़ा था, क्यों अपनी जिंदगी से इतने निराश हो गए थे संजय मिश्रा? आज संजय के पास फॉर्च्यून और BMW जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं, पटना में और मुंबई में कई घर हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ था संजय की लाइफ में कि उन्होंने एक्टिंग को बाय कह दिया था और एक छोटे से ढाबे पर जाकर नौकरी करने लगे थे? नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। संजय का जन्म 6 अक्टूबर 1963 को दरभंगा बिहार में एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता शंभुनाथ मिश्रा जो कि एक पत्रकार थे। संजय को बचपन से ही एक्टिंग में बहुत ज्यादा रुचि थी। संजय ने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पटना के ही एक स्कूल से की और इसके बाद उन्होंने बैचलर की डिग्री पूरी की। इसके बाद राष्ट्रीय ड्रामा स्कूल में उन्होंने प्रवेश लिया और सन 1989 में ग्रेजुएट हो गए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपनी एक्टिंग पूरी कर अपना भाग्य आजमाने के लिए बॉलीवुड में कदम रखा संजय मिश्रा ने। और शुरुआती दिन में संजय मिश्रा जी को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। संजय मिश्रा ने पहला अभिनय किया जो एक टेलीविजन धारावाहिक चाणक्य में था। इसके पहले उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया। शुरुआत में संजय छोटे मोटे रोल के साथ कॉमर्शियल एड्स भी किया करते थे। संजय मिश्रा ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1995 में फिल्म ओ डार्लिंग ये है इंडिया से की थी, जिसमें उन्होंने हारमोनियम बजाने वाले की एक छोटी सी भूमिका अदा की थी। इस फिल्म में संजय मिश्रा की एक्टिंग काफी पसंद आई थी। साथ ही सत्या और दिल से जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। ऑफिस ऑफिस नाम के सीरियल में उनके द्वारा निभाए गए शुक्ला जी के किरदार से उन्हें काफी पहचान मिली। 2005 में धारावाहिक छोड़ने के बाद उन्होंने बंटी और बबली और अपना सपना मनी मनी फिल्मों में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन कहते हैं ना, थोड़ा सा बैड लक उनके साथ जरूर रहा। उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की, लेकिन बावजूद उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी। उन्हें अपने पिता से बहुत लगाव था, इसीलिए जब उनके पिता का देहांत हुआ तब उन्होंने फिल्म जगत से अपना नाता तोड़ लिया और फिल्म जगत से बहुत दूर ऋषिकेश जाकर एक ढाबे में काम करने लगे, जहां पर वो सब्जियां काटते, खाना बनाते और लोगों को खिलाते। इसी तरह उनकी जिंदगी धीरे धीरे बीतने लगी। उन्होंने फिल्मों में काम करने की आशा ही छोड़ दी थी और अपनी जिंदगी से पूरी तरह से निराश हो चुके थे। ऐसे में उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज तब आया जब उनके ढाबे पर जाने माने निर्देशक रोहित शेट्टी पहुंच गए। चूंकि संजय रोहित की फिल्म गोलमाल में काम कर चुके थे, इसीलिए रोहित संजय को तुरंत पहचान गए। रोहित को उनकी हालत पर बहुत अफसोस हुआ। उस समय रोहित अपनी फिल्म ऑल द बेस्ट पर काम कर रहे थे। उन्होंने संजय को उस फिल्म में काम करने के लिए राजी किया। ऑल द बेस्ट मूवी संजय मिश्रा के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में संजय की एक्टिंग की बहुत तारीफ की गई। ये फिल्म संजय मिश्रा के बॉलीवुड करियर को एक नए मोड़ पर लेकर आई और उसके बाद तो जैसे चमत्कार ही हो गया। फिल्म हिट हुई और उसके बाद से अब तक उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और सभी फिल्मों में उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई और फिल्में सुपरहिट रहीं। संजय को फिल्म ऑल द बेस्ट में उनके जरिए बोले गए डायलॉग्स ढूंढू जस्ट चिल और फिल्म 1-2-3 में उनके कॉमिक टाइमिंग को लोगों ने काफी पसंद किया। 2015 की एक और हिट फिल्म प्रेम रतन धन पायो में भी उन्होंने काम किया और इसके अलावा फिल्म आंखों देखी के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर और स्टार स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से नवाजा गया। संजय मिश्रा की धर्मपत्नी का नाम किरण मिश्रा है। उनके दो बच्चे पल मिश्रा और लम्हा मिश्रा हैं। तो यकीनन संजय मिश्रा का सफर आसान नहीं रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी इंटरेस्टिंग कहानियां, किस्से और सितारों की बायोग्राफी के लिए जुड़े रहिए फिल्मी बीट के साथ।